अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए मार्केट के बारे में। संदीप गुड आफ्टरनून। आज मैं आपसे इमीडिएट नियर टर्म शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा संदीप, मैं आपसे बात करना चाहूंगा लास्ट 2 साल की। इनफैक्ट आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, जब इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स की तरह लॉकडाउन लोज बनाए थे, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव और डाउन सर्किट अपर सर्किट सब देखे, उसके बाद भी एक बार के लिए तो ये एकदम अनयूजुअल, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अनयूजुअल एक्चुअली अनयूजुअल इससे हो जाता है क्योंकि काफी समय बीत जाता है वो ऐसा इवेंट हुए हुए और फिर तब तक सब लोग भूल जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज के दिन भी अगर कुछ कोई कहे कि हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में एक लोअर सर्किट आ जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और वो और अगर ये चीज प्रिडिक्ट की जाती तो फिर हम लोग तो वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती एक्चुअली, मैं ये कहूंगा। तो लेकिन मेरा व्यू ये है कि मार्केट का बॉटम हमेशा वैल्यूएशन पे बनता है और जो टॉप है मार्केट का वो एक मैक्रो कंसर्न्स पे बनता है। तो बॉटम पे हमें सिर्फ वैल्यूएशन देखना होता है क्योंकि मैक्रो मतलब कंसर्न्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा सस्ता हो जाता है कि फिर आपको खरीदना ही होता है, क्योंकि फिर अगर आप नहीं उस समय नहीं खरीदेंगे तो फिर आप बेट कर रहे हैं कि ये इकोनॉमीज ही पूरी शटडाउन हो जाएंगी। तो वो समय ऐसा था जब उस समय वैल्यूएशन का बॉटम वैल्यूएशन कम वैल्यूएशन बनाते हैं और टॉप मैक्रो कंसर्न्स की वजह से होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो संदीप आपने पहले 3-4 महीने में जैसे हम सब ने किया, पीपल टुक स्टॉक ऑफ देयर ओन बैलेंस शीट्स, माहौल का मुआयना किया, फिर आपने धीरे धीरे कब डिप्लॉय करना शुरू किया, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया था इस पैच को? अजय लगीली मार्केट की जो गिरावट आई ऑब्वियसली ये नहीं पता था कि कोविड है, लेकिन उससे पहले ही मैं बहुत कॉशियस था वैल्यूएशंस को लेके, तो हमारे पास काफी कैश था तो डिप्लॉयमेंट आसान था। जब आप फुली इन्वेस्टेड होते हैं तब डिप्लॉयमेंट मुश्किल होता है। तो कुछ FDs वगैरह में जो पैसे थे वो भी मूव किए थे मार्च 2020 में, उस समय मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर इस समय हम नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। तो वो समय अच्छा रहा था कि उस समय निवेश किया। उसके बाद मार्केट में काफी अच्छी उछाल आई, बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स कुछ टाइम बाद चढ़ने शुरू हुए और मिड कैप्स भी, तो मार्केट में बॉटम हो गया था लेकिन मिड कैप्स काफी मई जून के आसपास चढ़ने शुरू हुए, तो उस समय अच्छा समय था उन मिड कैप्स में निवेश करने का जिनके प्रॉफिट में इमीडिएट बूस्ट आएगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स कम थे। और मतलब वो आज का दिन जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसके ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उस समय विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नहीं दिख रही थी लेकिन ये दिख रहा था कि प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड करेंगे। आज के दिन थोड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी बेटर है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पे काफी स्क्वीज आ रहा है। तो क्लियरली बोल्ड कॉल्स लेने का समय था, टफ डिसीजंस लेने वालों ने ही अच्छी कमाई की। संदीप गुड आफ्टरनून। सेक्टर स्पेसिफिक अब फिलहाल तस्वीर कैसी आप देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे नजर आ रहे हैं आपके, अब बाजार पर आउटलुक आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक क्या होंगे? सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा कंसर्न आ रहा है वो FMCG कंज्यूमर्स टेक्स सेक्टर है, जिसमें HUL के एनालिस्ट मीट के बाद हमने देखा है काफी गिरावट आया है कंज्यूमर स्टॉक्स में। और मुझे लगता है कि ये नॉन ड्यूरेबल स्टॉक्स में आया है, ड्यूरेबल स्टॉक्स जो जैसी कंपनीज वॉशिंग मशीन AC इक्विपमेंट और कंज्यूमर इक्विपमेंट कंपनीज के पे भी जरूर प्रेशर आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन की मार बड़े इक्विपमेंट की कंपनीज ऑटो वगैरह पे ज्यादा पड़ती है, तो ये क्षेत्र कुछ हो जाते हैं जो अवॉइड करने वाले हैं। दूसरा हमें उन क्षेत्रों पे फोकस करना है जहाँ पे एक शायद गवर्नमेंट का फोकस है, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का साइकिल रिवाइवल हो रहा है और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रहेंगे, तो उसमें कंपनीज जैसे जो बेनिफिट करती है, जैसे कुछ पाइप कंपनीज वगैरह बेनिफिट करती हैं, ये जो जल जीवन मिशन है उसमें काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं, काफी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को उनमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये सब स्टॉक्स चीप हैं आज के दिन। इन कंपनीज में बस रिस्क ये है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है क्योंकि इनके पास डेट होता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ प्रॉफिट को खा जाता है जो एक्चुअल ग्रोथ के कारण आएगा। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र ये सेक्टर्स काफी अंडर ओन्ड हैं तो इसमें फोकस रहना चाहिए। दूसरे रीओपनिंग ट्रेड जो हैं, होटल कंपनीज, मल्टीप्लेक्सेस कंपनीज, लगेज कंपनीज, ये सब में मुझे लगता है कि अभी भी काफी पोटेंशियल है और इनमें अगले 1-2 साल में अच्छे रिटर्न यहाँ से भी बन सकते हैं।
ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संदीप, वेलकम टू इटी नॉ स्वदेश, प्रियंका यर। एब्सोल्युटली आपने जिन सेक्टर्स की बात की उसी में से एक सेक्टर पर सवाल भी था मेरा। इनफैक्ट जब भी एक बेसिक फंडामेंटल है, जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो आप एक बड़ा फंडामेंटल ये भी नजर में रखते हो कि कंपनी पर डेट कितना है। और जिस तरह से उन कंपनीज पे कि हम स्पेसिफिकली इंडियन होटल्स या फिर ऐसी कंपनी, आज रुचि सोया को भी FPO जैसे खुल रहा है, उनका भी एक बड़ा रीजन है कि वो डेट फ्री हो। लेकिन ऐसे में किस तरह से एक इन्वेस्टर नेविगेट करे इन सब कंसर्न्स को कि डेट फ्री अगर कंपनी हो रही है या आने वाले सालों में उनके एफर्ट्स ऐसे हैं कि वो डेट फ्री हो जाएं, वहां पर अगर इसी कड़ी में इंडियन होटल्स का QIP लॉन्च हुआ, कैसे देखते हैं आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को? इनफैक्ट सिर्फ इंडियन होटल्स नहीं, टाटा ग्रुप की और भी बिजनेस पोर्टफोलियो में डेट रिडक्शन एक बड़ा उनका टारगेट भी है। टाटा ग्रुप में कुछ कंपनीज हैं जो काफी हद तक डेट फ्री हो गई है, लेकिन कुछ कंपनीज टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज हैं जिनमें अभी भी डेट के कंसर्न्स काफी हैं और मुझे लगता है कुछ समय तक रहेंगे। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो डेट रीपे करके डेट फ्री होना चाहती है अगले कुछ सालों में। इंडियन होटल्स काफी अच्छी स्टोरी है, अगले 2-3 साल में होटल सप्लाई काफी लिमिटेड रहेगी क्योंकि कोविड के बाद नए होटल्स की फाइनेंसिंग इतनी ईजी नहीं रह गई है, तो जो एंटेंस्ड प्लेयर है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, उनको फायदा होता है। और डेट फ्री होने का फायदा ये होता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो जब हाई होता है कंपनी का और डेट जब रीपे होता है तो वो सारी अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर्स को जाती है और उस पर PE का जब मल्टीप्लीकेशन होता है वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे इंडियन होटल का अगर हम एग्जांपल लें तो 4,000 करोड़ रेज करके ये 4,000 करोड़ का डेट रीपे करके डेट फ्री होते हैं तो करीब 350-400 करोड़ का इंटरेस्ट ये बचाते हैं। तो वो जब प्रॉफिट में जाता है तो उसमें से अगर 300 करोड़ प्रॉफिट में जाता है तो वो 300 करोड़ अगर 30 के PE पे है तो 9000 करोड़ ऐड हो जाता है कंपनी के वैल्यू में। तो डेट रीपेमेंट का इम्पैक्ट शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन पे काफी अच्छा रहता है क्योंकि फिर वो कंसर्न्स खत्म हो जाते हैं कि डेट अगर एडवर्स टाइम्स आएंगे तो डेट के कारण जो कंसर्न्स हैं। तो ये चीजें निवेशकों को फैक्टर करनी चाहिए। स्पेसिफिकली इंडियन होटल्स हमारी होल्डिंग्स में है, काफी हमारा होल्डिंग है इसमें और मैं काफी पॉजिटिव हूँ अगले 2-3 साल के लिए। संदीप, जी पे आपका क्या व्यू बन रहा है जिस हिसाब से चीजें बैठ रही हैं, स्पेशली आज दोनों जैसा लग रहा है कि एक कंसीलिएशन सा हो गया दोनों पार्टीज में, 20% ऊपर है, दोनों के बयान भी आ गए। प्योरली एज अ बिजनेस और वैल्यूएशन की बात करें तो कैसे एनालाइज करते हैं आप? बिजनेस साइड अजय अगर आप देखिए तो जी में कुछ खास नहीं हो रहा है क्योंकि OTT कॉम्पिटिशन एक रियलिटी है, फ्यूचर OTT की तरफ जा रहा है, व्यूअरशिप एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल एंटरटेनमेंट चैनल्स का कम होता जा रहा है और जी का OTT प्लेटफॉर्म जैसे Z5 कुछ इतना खास नहीं है, मतलब है लेकिन उसकी व्यूअरशिप है, कुछ सीरियल्स उनके अच्छे आते हैं लेकिन कुछ खास नहीं है। इन्वेस्को एक्चुअली क्या चाहता था ये मुझे कभी समझ नहीं आया क्योंकि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, अगर कोई रेजोल्यूशन होती है, सोनी के साथ कॉम्बिनेशन होता है और उसके कारण शेयर चढ़ता है तो उनको तो फायदा ही था। तो मेरे ख्याल से एक ईगो क्लैश था, वो अब रिजॉल्व हो गया है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। तो एक मूव आया है जी में, यहाँ से अप मूव और होने के लिए हमें फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि 300 रुपये में मेरे हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ना सस्ती है ना एक्सपेंसिव है। संदीप, एक ये जो बैटल काउंटर्स है चाहे वो वेदांता हो, JSPL 525-1400 की तरफ जा रहा है, टाटा स्टील, ऐसा लग रहा है कि एक रिन्यूड इसके अंदर फ्रेश बाउट ऑफ बाइंग आ रही है मेटल काउंटर्स, और लोग बोलते रहे कि बल्क ऑफ द रैली शायद अब यहाँ से निकलना चाहिए, टॉप आउट हो रहा है। दूसरे वाले तरफ कहते हैं कि अभी तो शुरू शुरू हुई है स्टोरी, बेस्ट ऑफ अर्निंग्स तो इसके अहेड है। आप कौन से साइड पे हैं आर्ग्यूमेंट के? मैं कहूंगा अजय कि 80-90% वो कमोडिटीज में हो चुका है क्योंकि एक ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, जब इंटरेस्ट रेट जिस स्पेस में US फेड आज के दिन कह रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और ECB का भी न्यूज फ्लो आ रहा है, तो जब इस स्पेस पे रेट्स बढ़ते हैं और लिक्विडिटी विड्रॉल होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर कमोडिटीज पे होगा। कुछ कमोडिटीज ऑब्वियसली अब इम्पैक्ट आएगा, जैसे अगर कोई बड़ा मार्केट रशिया जैसा बाहर हो जाता है तो उसका सप्लाई इमिजिएटली रिप्लेनिश नहीं हो सकता, बाजार में नहीं आ सकता, तो उसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेंगे। लेकिन डायरेक्शनली अगर हम देखें जिस स्पेस पे मुझे लगता है ग्लोबली लिक्विडिटी का विड्रॉल होने वाला है सिस्टम में से, तो कमोडिटीज पे इसका हिट जरूर आएगा। तो हो सकता है वो 3-6 महीने बाद आए, अभी ना आए,
तो जो भी कमोडिटी स्टॉक्स में अब निवेश कर रहे हैं उनको बहुत निम्बल फुटेड रहना पड़ेगा, मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कब वो एंटर करते हैं और कब एग्जिट करते हैं, क्योंकि कमोडिटी कंपनी हमें, आपको भी पता है अजय, कि ये ग्रोथ कंपनी जैसी नहीं होती कि जो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाती है। कमोडिटीज में बहुत साइक्लिकलिटी होती है, वो बहुत नीचे जाती हैं फिर वहां से बहुत ऊपर चढ़ती हैं, तो जब एक बार बहुत ऊपर चढ़ गई है उस समय पे बहुत ज्यादा पैसा इनमें लगाना कोई इतनी अच्छा आइडिया नहीं है। बिल्कुल, तो क्लियरली कमोडिटी मेटल स्पेस तो है ही जहाँ पर मोमेंटम हम देख रहे हैं, लेकिन संदीप इस समय में जहाँ पर बाजार में वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, अगर व्यूअर्स इन्वेस्टर्स की भी बात करें, लोग अब डिफेंसिव प्लेज पर ही खेलना चाह रहे हैं जहाँ पर क्लैरिटी ज्यादा नजर आए। मेटल स्पेस तो चमक रहा है, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें आईटी और साथ ही अब फार्मा स्पेस भी है जहाँ पर मोमेंटम बढ़ता हुआ एकाएक हम देख रहे हैं, तो फार्मा की जो बढ़त अब कुछ दिनों में जारी या शुरू होती हुई दिखी है, ये कहाँ तक जाती दिख रही है आपको? मुझे लगता है फार्मा अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि कुछ कंपनी जिनमें काफी सेल आउट हो गए थे जैसे डॉक्टर रेड्डीज, रशिया कंसर्न्स और कंसर्न्स के कारण काफी नीचे गया था। मैं कहते हैं टॉप 5500 से ये सीधा 3700-3800 गया था, अब रिवाइवल आया है। तो इन कंपनीज में हमें वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है। टेक्नोलॉजी अगर हम देखें दूसरी साइड पे, तो वहां मुझे और फार्मा एक अंडरओन सेक्टर है, मतलब बहुत, अगर आप पोर्टफोलियो हम देखें तो फार्मा थोड़ा परसेंट है लोगों के पोर्टफोलियो का, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम दूसरे साइड देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ओवरओन है आज के दिन। मतलब इन टेक्नोलॉजी कंपनी, स्पेशली मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज की होल्डिंग बहुत ज्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स, पीएमएस, एआईएफ, सब म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ अगर थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट होता है अर्निंग्स का, तो और इनके वैल्यूएशन अब सस्ते नहीं है, तो मैं कहूंगा कि फार्मा थोड़ा बेटर सेक्टर है एज अ डिफेंसिव प्ले के हिसाब से आईटी के बजाय। ऑलराइट, ठीक है, ये डिफेंसिव स्पेस आपको लगता है। संदीप, आप एक वे होता है जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी विल लाइक टू बेट ऑन द बिग द सेक्टर्स जो प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि इतनी मैक्रो फ्रंट पे इस तरह के हेडविंड्स आएंगे ये शायद हमें फेब्रुअरी तक नहीं पता था। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन तो ये बहुत अंडरस्टूड कंसर्न्स है, बट एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि ये साल आसान नहीं होगा पैसा बनाने में, रिटर्न बनाने में। तो जब अपना पोर्टफोलियो डिवाइस कर रहे हो तो क्या परसेंटेज ऑफ योर यू नो ऑल एग्स शुड नॉट बी लेड इन वन बास्केट, उस तरह की अप्रोच रखे तो कुछ परसेंटेज उन स्टॉक्स पे भी देनी चाहिए जिनकी डिविडेंड हाई है, यील्ड डिविडेंड यील्ड अच्छी है? क्योंकि अगर बाजार से रिटर्न नहीं भी मिल पा रहा तो एटलीस्ट आप अपनी कहीं कुछ परसेंट रिटर्न तो सिक्योर कर ही सकते हैं। आप इसको कितनी वेटेज देंगे, कितना परसेंटेज ऑफ आर पोर्टफोलियो शुड लाई टुवर्ड्स दिस? देखिए, डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटेजी नॉर्मली इंडिया जैसे मार्केट में काम नहीं करती है, ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस वगैरह डेवलप्ड मार्केट जहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है वहां जरूर काम करती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड कम होने का एक कारण ये है कि शेयर प्राइस हो सकता है चढ़ना रहा हो, और अगर आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, सपोज कीजिए आप कोई 200 रुपए का स्टॉक लेते हैं और उसमें 5-6% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अगर वो स्टॉक ही 10 रुपए गिर जाएगा तो आपको वो डिविडेंड मिला वो और स्टॉक गिरने के बाद आपका रिटर्न नॉर्मली जीरो हो जाएगा। तो मैं पर्सनली डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी पे इतना विश्वास नहीं करता। संदीप, रिलायंस के बारे में क्या व्यू बन रहा है? 2250 से चलते चलते ऑलमोस्ट 2600 को नॉक कर रहा है। डॉक्टर साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लास्ट एक हफ्ते एक महीने के ग्राफ को लेके आई है और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के भी शार्प रिबाउंड की खबरें आ रही हैं, आपका कोई व्यू इस पे? जी हाँ, ये जो जीआरएम रिवाइवल हुआ है उसके कारण ही पिछला मूव आया है पूरा रिलायंस में, क्योंकि बाकी जो इसके बिजनेसेस है जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स है उसमें कुछ खास नहीं हो रहा, और रिटेल में भी मतलब इतना अब ग्रोथ इमीडिएट टर्म में ऐसा नहीं है कि उसके कारण उसके वैल्यूएशन इंप्रूव हो। तो नियर टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन थे मुझे लगता है उसमें थोड़ा अपटिक आएगा, क्योंकि जो जीआरएम इंप्रूव हुए हैं और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस बढ़े हैं और वहाँ हो सकता है कुछ स्प्रेड्स बढ़े, बट उसके बियॉन्ड एज सच नियर मुझे कोई बहुत बड़े ट्रिगर नहीं दिखते रिलायंस में। तो रिलायंस में जिस तरह के वैल्यूएशंस पे आज ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि काफी हद तक रेंज बाउंड ही रहना चाहिए अगले कुछ महीनों तक। पर पॉजिटिविटी है उन सेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, अब इन्वेस्टर्स को व्यूअर्स को ये भी बताना होगा कि किन सेक्टर्स में रेड सिग्नल
सिग्नल आते हुए दिख रहा है एफएमसीजी की, पर्टिकुलरली अगर बात करें मार्जिन कॉम्प्रेशन की परेशानी है, रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन के चलते देख रहे हैं, क्या ये सिचुएशन इस स्पेस के लिए आपको भी वरी करता है? बिल्कुल, और इस सेक्टर को नियर टर्म में अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इनमें कुछ कंपनीज काफी अच्छी हैं, तो ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेक्टर है जिसमें हमें डाउनसाइड की वेट करनी है और निवेश करना है, ये ऐसा नहीं है कि हमें बेच के भूल जाना है, तो इस हिसाब से इस सेक्टर को देखना चाहिए। नियर टर्म्स में काफी कंसर्न है, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, और ये हुआ एफएमसीजी, और इसमें काफी स्टॉक्स गिरे भी है, जैसे कुछ ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हैं वो 52 वीक लोज के आसपास भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं काफी, वो अभी भी होल्ड अप कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जिन निवेशकों के पास वो शेयर्स हैं या उन वो थोड़ा ट्रिम डाउन कर सकते हैं क्योंकि उन पे भी इम्पैक्ट काफी आएगा। ऑलराइट संदीप, क्रेडिट ऑफटेक अब ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक्स में स्पेसिफिकली बेटर होगी, ये एक बड़ा ट्रिगर तो है ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए जिसे एक टॉपिक माना जाता है, आपके लिए कौन सी होगी टॉप सेक्टर टॉप पिक, या आप भी मानते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ये थोड़े से हेडविंड्स क्लियर हो तो उसके बाद दिस विल बी अ बेटर सेक्टर टू परफॉर्म जिसमें बेट किया जा सकता हो इस साल के लिए? तो मैं कहूंगा कि पीएसयू बैंक्स को काफी कंसर्न हो सकता है अगर यील्ड्स ऊपर जाएंगे क्योंकि उनके गवर्नमेंट होल्डिंग काफी है, लेकिन एक क्रेडिट ग्रोथ की जैसे आपने बात की थी तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है, जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि रिवाइवल आएगा क्रेडिट ग्रोथ में वो अभी भी क्रेडिट ग्रोथ 7-9% चल रहा है, तो उसमें जो अगले साल के प्रोजेक्शन हैं काफी बैंक्स के अर्निंग्स में उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क है इस समय, तो वो हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं बैंक्स की, तो उस हिसाब से ये एक सेक्टर अच्छा है देखने के लिए। मैं कहूंगा कि बड़े बैंक्स पे ही फोकस करना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनमें क्रेडिट ग्रोथ मार्केट क्रेडिट ग्रोथ से काफी ज्यादा है, तो ये बैंक्स अच्छा करने चाहिए। तो ये बैंक्स अच्छा करना चाहिए यानी पीएसयू स्पेस है, तो ये बास्केट है, ये यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करके चलना होगा। इसके अलावा कोई और नए थीम्स या नए बिजनेस मॉडल्स जिसे आप स्टडी कर रहे हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हो, म्यूजिक या फिर लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए हो, कोई और इंटरनेट स्टॉक्स हो जो आपको लगता है कि काफ़ी बीटन डाउन है और वहाँ पर एक अच्छी वहाँ पर बेट ली जा सकती है? नहीं, ज्यादातर इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं, तो उसमें निवेश के क्षेत्र आइडियाज मतलब कंपनीज हैं जो मॉनिटरिंग लिस्ट में है, लेकिन अभी मैं निवेश नहीं करूंगा। म्यूजिक क्षेत्र मुझे इतना कुछ ग्रेट नहीं लगता क्योंकि उनके पास एक लाइब्रेरी है, उसको वो कब तक उससे पैसे कमाएंगे, क्योंकि नए एसेट्स नए लाइब्रेरी और नई जनरेशन जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट आ सकता है वो कुछ खास नहीं है, तो अभी ज्यादातर कंपनीज वो हम देख रहे हैं जिनमें अंडर ओनरशिप है, जिनमें एक रिवाइवल ऑफ ग्रोथ है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और या फिर जो अनलॉकिंग थीम्स हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा करेंगे।